चलिए आपको लिए चल रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें हेल्थ को लेकर चर्चा चल रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। नहीं थी पुरानी सरकार थी तो मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, आज ये बढ़कर 24 हो गए, 10 पाइपलाइन में है। हम पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि उसमें 10-12 हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में हम हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अगले 5 साल में शुरू कर देंगे। देश में ये बड़ी तेजी से काम चल रहा है, तो जो डॉक्टर्स की कमी है वो निश्चित रूप से इससे कम होगी, और वो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हेल्थ सर्विसेज के मामले में डॉक्टर की कमी के कारण जो समस्या है उसका निदान होगा। आपने पीपीपी मॉडल की बात की, क्या लगता है आपको कि पीपीपी मॉडल पर जब आगे बढ़ेंगे तो हेल्थ सेक्टर बेहतर होगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलेंगी, और जो डॉक्टर्स की हम बात करते हैं बेस्ट डिलीवरी के लिए, कोई फर्क दिखता है उसमें आपको? हाँ देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहे हैं, बाकी कॉलेज स्कूल आप पूरी दुनिया में, बल्कि मैं देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन की बात हो या हेल्थ सेक्टर की बात हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा योगदान है और अच्छा योगदान है, हम उस पर उसको कहीं जुटला नहीं सकते। पीपीपी मॉडल में हमारा सीधा कंसेप्ट है कि हम हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक प्राइवेट पार्टी को देंगे, वो कॉलेज बिल्डिंग बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कॉलेज बिल्डिंग दोनों वो चलाएगा, और उसके साथ ही हम उसको एक 10 किलोमीटर के अंदर लैंड भी प्रोवाइड करेंगे। इसके पीछे का कंसेप्ट दो तरह का है, एक तो जब कोई प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज शुरू करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं रह जाता। जब हम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे देंगे तो उसको मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लगभग 40% उसका कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा, यदि हम पूरा मेडिकल कॉलेज बनाने में हॉस्पिटल के साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कम से कम 4 से 5 साल लेता है। जब हम उसको बना बनाया हॉस्पिटल देंगे तो लगभग 1 से 1.5 साल में वो मेडिकल कॉलेज शुरू कर पाएगा। तो जैसा जो एक चिंता का विषय है कि मेडिकल में डॉक्टर्स की कमी है, जितने जल्दी मेडिकल कॉलेज आएंगे उतने डॉक्टर्स का निर्माण होगा, और यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होती है तो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छे से लोग उसको चला पाएंगे। तो इसलिए पीपीपी मॉडल से जहां एक और हम नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे तो उसके साथ साथ जल्दी भी स्थापित कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को नवाचारों की सरकार भी कहा जाता है। आपने मेडिकल कॉलेजेस की बात की तो देश में सबसे ज्यादा 67 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस वो तमिलनाडु में है, और 47-47 कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में, और तेलंगाना और साउथ के राज्य, उत्तर प्रदेश इकलौता नॉर्थ का राज्य है। तो क्या मेडिकल कॉलेज की संख्या के मामले में जिस तरह से आपने बात की, पीपीपी मॉडल की बात की, या सरकार और मेडिकल कॉलेज लगातार तेजी से बढ़ा रही है, उम्मीद है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस के मामले में टॉप 5 में शामिल हो जाएगा? हाँ निश्चित रूप से, जैसा मैंने बताया, देखिए 24 हमारे हैं, 10 पाइपलाइन में हैं, 10 हम और सैंक्शन करा रहे हैं, उसके बाद पीपीपी मॉडल पर। तो हमारा टारगेट है कि हम जितने मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हम जरूर लेके आएंगे।